खेसारी लाल यादव जी का स्टेचू, वाह गजब भयानक बना है भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय दिस इज संजय प्रजापति ब्लॉग चैनल। एंड गाइस अभी सुबह का बता दूँ तो 9:30 हो गया होगा, 9:51 हो चुका है। इधर इसका मोबाइल है, 9:51 हो चुका है। और अभी बता दें तो हम लोग जा रहे हैं खेसारी लाल यादव जी का आरा में स्टेज प्रोग्राम में, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और अभी घर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं जाने के लिए, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि यह ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो आप सबको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और बता दो तो हम लोग 3 लोग जाएंगे, अभी 2 आदमी साथ में, मैं और राजेश दोनों साथ में जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मझवलिया, तो मझवलिया से 1 आदमी और मिल जाएंगे, तो हम लोग 3 लोग जाएंगे बाइक से। आप देख सकते हैं इधर बाइक है और राजेश कैमरा कर रहा है, तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ से चल रहे हैं लोग, तो आप लोग वीडियो में बन रही है। और इधर देखिए राजेश है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जो कि बेगो हम लोग के लिए बनाने जा रहे हैं वीडियो, तो भैया अपने चैनल के लिए वीडियो बेगो ले लिया। हेलो ले लिया, हेलो देख लीजिए सामान वामान है, कैमरा वामरा अथी, और ये है मेरा मोबाइल, तो इस और वो भैया का मोबाइल है। जगह अभी वो कोई गांव है, वहां भी जाना है, तो देखिए तेलाड गांव का नाम है, तेलाड भोजपुर है, तो अभी देखिए वहां जाने में कितना समय लगता है। आरा से वो भी कुछ दूर होबे करेगा। गाइज अभी हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं, एक वो है जो साथ में जा रहे हैं, और देखिए चलिए आप सबसे मिलते हैं उधर। और अभी हम लोग डबल लाइन में है, 4 लाइन पर जाने वाले हैं, 4 लाइन पर जब चलेंगे तो वहाँ का भी आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइज अभी हम लोग जल्दी 4 लाइन पर चढ़ने वाले हैं, इधर से आपको दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग 4 लाइन में आ चुके हैं, और ये है 4 लाइन, 4 लाइन है। इधर देखे इधर, अरे वाह इतना बड़ा नदी। अभी हम लोग नदी के ऊपर पुल पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उधर देखिए कितना मंदिर है, यहाँ पर देखिए जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सब मंदिर है। और इधर भी देखिए कितना बड़ा नदी है यार, कितना मजा आ रहा है। ये देखिए पुल है, ये हम लोग इसी रास्ता से जा रहे हैं, और इधर देखिए बाइक हम लोग का चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग 4 लाइन ऊपर थे ओवर ब्रिज का, और ये देखिए नीचे का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है नीचे का नज़ारा जो अभी आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगाया गया है जो मोहम्मदपुर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग को अभी मोहम्मदपुर होकर कहीं जाना पड़ेगा। अभी हम लोग इस पर से 4 लाइन से नीचे उतरेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा घबरा चुका है, तो अभी हम लोग नीचे उतरेंगे और मोहम्मदपुर का वो जो दिखाई दे रहा है उसी पर हम लोग जाएंगे। तो अभी डिसाइड हुआ है कि नीचे उतरने का, तो फिर से हम लोग बाइक कर रहे हैं और जा रहे हैं। और इधर देखिए, तो अब मियाज कैसा है? मियाज कैसा है? एकदम मस्त है। तो अभी हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या बहुत दूर आ, चलो हाँ गौरी गौरा लिखा था, हाँ गौरी गौरा लिखा था। तो ये सब फेमस नाम था, अभी बहुत सारा आ गया है बोर्ड। अच्छा लेने के बाद पानी पीने का जरूरत नहीं है। हाँ इसमें बहुत पानी रहता है, किलो पानी 200 तो बहुत सस्ता है। हमारा गांव में आया था तो 20 रुपये किलो दे रहा था, सस्ता हो जाएगा। पानी पहले मीठ बनो, चलिए ठीक है। अरे ऊपरवा का तो मीठ लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग प्यास लग गया है, तो अभी लाल भी खा रहे हैं क्योंकि लाल में बहुत ज्यादा पानी होता है। देख लीजिए कुछ खा रहा है, कितना जो खा रहा है, 1 किलो। हां 1 किलो ना और दीजिए, आइए आप लोग भी खाइए, अभी लालमी का स्वाद लीजिए इस गर्मी का मौसम में। अभी देखिए सतर घाट पानापुर छापरा पटना, इन 600 मीटर्स टर्न लेफ्ट।
वाला रोड वा जज मरदा कौन है वाला रोड इतना ना ज्यादा रोड है यहाँ पे कि समझे नहीं आ रहा है। ओवर ब्रिज बन रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए वो तोड़ाया है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ओवर ब्रिज बन रहा है। तो गाइस ये देखिए ओवर ब्रिज कैसे बन रहा है। खाना खाया जाएगा? हाँ दिखाए है गाइस, एकदम मिजाज फक चुका है। और अभी हम लोग खड़ा है छपरा सर, छपरा यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ एक चौक है, अभी हम लोग सारण में, सारण में गाड़ी बढ़ाओ आगे थोड़ा। अभी गाइस हम लोग सारण में आ गए हैं, अभी आ रहा बहुत दूर प्रॉब्लम हो गया, तो इधर बढ़ रहा है बाइक देख लीजिए। और अभी हम लोग सारण में यहाँ से ऊपर जगह और गाइस बाइक को बनवा कर हालत देख सकते हैं कि कैसा हो गया, हालत पंचर हो गया एकदम। उधर है हम लोग का बाइक और ये है भैया का बाइक जो कि थोड़ा बन रहा है। तो अभी हम लोग अपना बाइक बनवा रहे हैं और यहाँ से चलेंगे बाइक को बनवा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खेसारी भैया का, यहीं पे आने वाले हैं खेसारी भैया इसी स्टेज से ऊपर। और देखिए यहाँ पर स्टेज बन चुका है, आप लोगों को जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा मोटरसाइकिल पर है, उतना अच्छा से कैमरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी देखिए यहीं पर तिलक समारोह है इसी घर में, और वहाँ पर स्टेज बन चुका है खेसारी भैया के लिए। जूमिंग कम करो, जूमिंग कम है, कम है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं खेसारी भैया के यहाँ पर गाना भी बज रहा है कोका कोला वाला। और यहाँ पर देखिए बाप रे कितना सारा डीजे लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग मोटरसाइकिल को लगाते हैं और अभी हम लोग चलते हैं नीचे। तो गाइस यही वो घर है जिसमें कि खेसारी भैया आ रहे हैं तिलक समारोह में। सुबह ही जब पहुंच चुका है, हालत पंचर हो चुका है बाइक चला के। यार गोड़ अस्थिर नहीं है, इतना ज़्यादा थरथरा आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है, देख लीजिए यहीं पर आज खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो है। और अभी हम लोग आए हैं यहीं पर, आप सबको चारों तरफ से घूम के दिखाते हैं। आप देख लीजिए खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो, वाह गजब भयानक बना है भाई, आप लोग देख सकते हैं। और ये कि यहाँ पे है बक्सा, चारों तरफ से आप देख सकते हैं लाइट लगाया गया कितना मस्त। आप सब देख लीजिए हम यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों को ब्लॉग देने के लिए। तो आप और इधर देखे कितना बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और किनका टीम जा रहा है भाई, एक का है भाई। सब यहीं पे आए हैं गाइस, आने में तो बहुत आसा हुआ है क्योंकि हम लोग 250 किलोमीटर चला के आए हैं बाइक। आप लोग सोच सकते हैं कि 250 किलोमीटर बाइक चलाना कितना मुश्किल है, जो कि हम लोग बेतिया जिला से चल के आरा जिला में आए हैं। ये गांव का नाम है तेलांग, जो कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है।